Hello student, today I will start second semester. You have four chapters. स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको बुक का नाम है, वो है बिजनेस मैनेजमेंट. और बिजनेस मैनेजमेंट आप निराली पब्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो, सक्सेस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर एग्ज़ाम के पहले आप शार्प यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू. ओके, जो फोर चैप्टर्स है वो है पूरा थेरी पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, आपको समझ में आ गया होगा. फर्स्ट सेम का आपने एग्ज़ाम दिया है तो यू नो के बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ थेरोटिकल पार्ट, मतलब थेरी सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें. तो जो फोर चैप्टर्स है वो है फर्स्ट वन मोटिवेशन, सेकेंड लीडरशिप, थर्ड वन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड फोर्थ वन इज रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस मैनेजमेंट. ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब्जेक्ट टॉपिक में क्या इंक्लूड है और क्या हम सीखने वाले एक्सप्लेन करूँगी. और जैसे जैसे हम हर एक चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे दैट टाइम आपको तो डीपली नॉलेज उसका मिल जाएगा. ओके, जो फर्स्ट सेमेस्टर थे उसमें हमने कवर किया था पूरा मैनेजमेंट का और व्यू था, मतलब व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मींस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या, नीड स्टडी, ऑल थिंग्स रिलेटेड मैनेजमेंट. ओके, देन मैनेजमेंट में जो सब पॉइंट आते हैं या फिर वो पॉइंट के बिना मैनेजमेंट अधूरी रहती है या फिर विदाउट दिस पॉइंट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होती है, वो पॉइंट हम इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं. या मतलब आपने पहले फर्स्ट से मैं आधा देखा था, सेकेंड से मैं आधा सिलेबस कंप्लीट करूँगी. ओके, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग मीन्स वॉट, कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए या फिर हमारे कंपनी के लिए या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के लिए. देन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब जितना आपको बिजनेस में मनी इम्पॉर्टेंट है उसके इक्वली आपको ऑर्गेनाइजेशन और आपका स्टाफ, आपकी मैनेजमेंट उतनी इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो हमने देखा उस चैप्टर में. देन डिरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके बिजनेस में है, मतलब वॉट एवर आपका बिजनेस हो, आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट हो, आपके स्कूल इंस्टीट्यूट हो, या आप सोल ट्रेडर हो, या फिर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हो, वॉट एवर किसी भी टाइप का बिजनेस हो, किसी भी टाइप का आपका प्रोफेशन हो, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो, या फिर विदाउट कम्युनिकेशन आप कोई कुछ सेल भी नहीं कर सकते हो. अब आप के जनरेशन के बच्चे बोलेंगे कि ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं दैट टाइम कहाँ कम्युनिकेशन होता है, मतलब सेलर और डीलर का या फिर कस्टमर और सेलर का कम्युनिकेशन नहीं होता है. विदाउट कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, बट फिर भी हम जब ऑनलाइन कुछ देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ चीज़ें देखते हो, मिंत्रा पे देखते हो, दैट टाइम उस प्रोडक्ट के डिटेल्स आपके पास होते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उसके उसका रिव्यू होता है, उसके यूजेस क्या है, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसके रिव्यू क्या है, ये सब हम पहले ऑनलाइन देखते हैं. मतलब क्या इनडायरेक्टली हम वो जो सेलर है उसने क्या किया है, हमारे साथ इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन ही किया ना, मतलब उसने उसके प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दी और हम वो देखते हैं. विदाउट इन्फॉर्मेशन चेकिंग हम कुछ प्रोडक्ट खरीदी नहीं करते हैं, मतलब क्या हमें प्रोडक्ट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन पहले हम कलेक्ट करते हैं और देन डिसाइड करते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं. ओके, उसी टाइम मतलब इनडायरेक्टली वो एक कम्युनिकेशन का पार्ट है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, साथ ही साथ मोटिवेशन भी
मैं ऐसा नहीं करूँगी कि बिजनेस में मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, बल्कि हमारा रोज जो हम रूटीन करते हैं, जो रूटीन लाइफ है, जो स्टूडेंट है उनका, उनके पढ़ाई के रिलेटेड है, या घर में हम कुछ काम करते हैं उससे रिलेटेड, हर चीज़ में एक दूसरे को मोटिवेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ अडेज इस जनरेशन में हो या अभी की जो सिचुएशन है, इस उसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि मोटिवेट करने के बदले उसको डीमोटिवेट किया जाता है ताकि वो हमारे आगे ना जा सके। मतलब कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी एम्प्लॉई है, उसे अगर हम मोटिवेट करते हैं तो अच्छे से काम करता है, या फिर अगर हम स्टूडेंट को बोलते हैं अरे वाह कितने अच्छे मार्क्स लाए, अपने बच्चों को बोलते हैं कि अरे वाह इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए आपने, नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे भी ज़्यादा आने चाहिए, तो वो मोटिवेट होता है। लेकिन क्या होता है अक्सर बच्चों को हम बोलते हैं क्या कितने कम मार्क आए, नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो फेल ही हो जाओगे, तो ये डीमोटिवेट हो गया है ना। तो मोटिवेशन, भले ही उसने मार्क्स नहीं लाए हो या भले ही किसी ने कोई अच्छा काम नहीं किया हो, फिर भी अगर हम उसे बोलते हैं कि वाह अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा अच्छा करना, तो वो मोटिवेट होता है। और सच में वो इंसान, वो स्टूडेंट, वो गर्ल जो भी है, वो क्या करता है अच्छे से, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ में किसी को भी कभी भी मोटिवेशन, मोटिवेट करना बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मोटिवेट करना नहीं आता है तो प्लीज़ आप डीमोटिवेट किसी को मत करो। ओके, नेक्स्ट, लीडरशिप, बिजनेस चलाना है, इंस्टीट्यूट चलाना है, या फिर कोई भी आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करना है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो आप में चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे हो तो आप में वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक लीडर में होती है। मतलब कौन से सिचुएशन में कौन सा डिसीजन इम्पोर्टेंट है और किस टाइम में वो लेना है, या फिर सब से काम अच्छे से करवा के लेना है, किसी को भी हार्म करके नहीं बल्कि अच्छे से। देन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये तो चाहिए, विदाउट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कोई भी काम अच्छे से नहीं होता है। देन लास्ट जो टॉपिक था वो है रिसेंट ट्रेंड इन बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी न्यू ट्रेंड्स है, फॉर एग्जांपल CSR कंसेप्ट है, GST कंसेप्ट है, बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट से, वो सब इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया है और अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी अच्छे से दिए हैं। आई होप आप लोगों को मार्क अच्छे मिले, मतलब मिलेंगे ही, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, उससे भी अच्छा आप लोग मार्क्स लाओगे। ओके, आई होप के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, बल्कि होने ही चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम देने में जो मज़ा है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में नहीं है। ठीक है, मतलब बच्चे कॉलेज में आते हैं वो एटमॉस्फियर, हम जब एग्ज़ाम को जाते हैं वो टेंशन, वाह कॉलेज में आने के बाद फ्रेंड ने ये किया, अरे ये क्वेश्चन आपने नहीं किया, अरे अरे अरे, ये नहीं कि ऐसे बोल के फटाफट से वो रीड करना, उसके बाद अगर कुछ नहीं आता है तो एक दूसरे को पूछना, ये जो मज़ा है ऑफलाइन एग्ज़ाम में वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में नहीं है। आई नो आप लोग बच्चों ने बहुत जुगाड़ करके भी ऑनलाइन कुछ कुछ किया है, क्योंकि आपके पास तो पूरा नेट अवेलेबल था, तो वो आप सब लोग ने किया है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम की मज़ा तो ऑफलाइन ही आती है, ऑनलाइन नहीं आ सकती, इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होने बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और आई होप कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। ओके, तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो आपको MCQ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको पूरी थ्योरी अच्छे से करनी होगी,
जैसे फर्स्ट ईयर में ब्रॉड क्वेश्चन थे उसी टाइप आपको, मतलब जैसे 12th में दिया था, मैं फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दूंगी अब तो, 12th का एग्ज़ाम एग्जाम्पल लेते हो, 12th में जैसे ब्रॉड क्वेश्चंस थे वैसे आपको सेकेंड सेमेस्टर में आ सकते हैं अगर ऑफलाइन है तो, अदरवाइज जैसे अभी था एमसीक्यू वही कंटिन्यू होगा। और आई थिंक हाँ 70 मार्क्स का ही आपका फाइनल का एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का हम देखेंगे, लास्ट टाइम की तरह असाइनमेंट लेना है या एग्ज़ाम लेना है वो हम आप लोगों को बता देंगे जैसे ही डिसाइड होता है वैसे। ओके देन तो ये हो गया हमारा सिलेबस, और नेक्स्ट लेक्चर को हम मोटिवेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपके ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे, अगर ऑफलाइन है तो ब्रॉड क्वेश्चन आएंगे। ओके तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन। ओके चलो, थैंक यू।